तो सर प्ले करिए। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों फाइनली यार आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जेब्रोनिक जैबजुक बार 3901 का डिटेल पे साउंड टेस्ट। दोस्तों ये 7000 की रेंज में काफ़ी बढ़िया साउंड बार है। जैसा कि मैंने जब इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो दी थी तब मैंने आपसे बोल दिया था कि यार जल्दी मैं इसका डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ। सो फाइनली दोस्तों आज हम इस मॉडल को काफ़ी डिटेल पे टेस्ट करेंगे, इसकी ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करेंगे, बेस क्वालिटी टेस्ट करेंगे, साथ में दोस्तों यार इस साउंड बार पर थोड़े मूवीज़ के ट्रेलर भी प्ले करके देखेंगे एंड देखेंगे कि यार कितना बढ़िया सिनेमैटिक साउंड हमें मिलने वाला है, क्योंकि इस पर हमें साउंड बार के साथ सबवूफर भी देखने को मिलता है। सो काफ़ी डिटेल पे दोस्तों आज का साउंड टेस्ट होने वाला है। अभी दोस्तों इस मॉडल का करंट प्राइस चल रहा है ओनली 6500 रुपीज़। दोस्तों अगर आपको ये मॉडल को परचेस करना होगा तो डेफिनेटली आप इस मॉडल को गुप्ता रेडियो से परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं गुप्ता रेडियो का फोन नंबर एंड एड्रेस मेंशन कर दूंगा। अगर आपको परचेस करना होगा तो डेफिनेटली आप परचेस कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों यार गुप्ता रेडियोज की ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉन्च हो गई है। अगर आपको सीमैक्स या जेब्रोनिक्स का कोई भी मॉडल परचेस करना होगा तो डायरेक्ट आप गुप्ता रेडियोज की वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं। सो मैं वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में मैं फोन नंबर एंड एड्रेस भी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। एंड दोस्तों अगर आपको इस मॉडल के साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो जल्दी हम इस मॉडल का हिंदी पे साउंड टेस्ट लाने वाले हैं इंस्टाग्राम पर। सो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक भी आपको मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों यार आप सबको बताया, हम साउंड टेस्ट वीडियो हो या बैटल ग्राउंड वीडियो, हम डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात नहीं करते। सो दोस्तों यार इस मॉडल की अनबॉक्सिंग वीडियो को आप डिटेल में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। सर वक्त ज़्यादा ना गवाते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
चलिए दोस्तों, अब अपने साउंड बार पर थोड़े मूवीज़ के ट्रेलर प्ले करके देख लेते हैं। एंड देख लेते हैं दोस्तों यार, अगर आप इस साउंड बार को अपने टीवी के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपको किस तरीके का सिनेमैटिक साउंड मिलने वाला है। सो प्लीज़ अपने हेडफोन्स का यूज़ करिए। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इस साउंड बार का साउंड, बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार अब आपको बिल्कुल पता लग गया होगा कि इस मॉडल पर हमें एक्चुअल पर किस तरीके का साउंड परफॉर्मेंस मिलता है एंड ये मॉडल 6500 की रेंज में बढ़िया ऑप्शन है या नहीं है। सो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों अगर सबसे पहले मैं बात करूँ वोकल्स क्वालिटी की, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी की, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में भी बोल दिया था कि यार दोस्तों क्लियरिटी वाइज ये मॉडल मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। सो अभी हमने दोस्तों जब इसे पूरा डिटेल में टेस्ट कराया है, सो उस हिसाब से दोस्तों मैं आपसे आँख बंद करके कह सकता हूँ कि आप इस मॉडल को परचेस कर सकते हैं अगर आपको क्लियरिटी वाइज कोई बढ़िया साउंड बार परचेस करना है, क्योंकि इस पर हमें वोकल्स क्वालिटी एंड इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। मतलब यहाँ पर आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। वैसे दोस्तों अभी तक हमने जेब्रोनिक्स के जितने भी साउंड बार टेस्ट करें सभी पर दोस्तों यार क्लियरिटी वाइज हमें कोई भी कमी नहीं मिलती है। सो इस मॉडल की भी जो दोस्तों क्लियरिटी है वो हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। अब बात करें दोस्तों लाउडनेस की, लाउडनेस दोस्तों डिसेंट है। मतलब ऐसा है दोस्तों आप इस साउंड बार से पार्टी को एंजॉय नहीं कर सकते, इतनी हाई लेवल की लाउडनेस हमें नहीं मिलती है। बट हाँ, टीवी वॉचिंग के लिए जितनी लाउडनेस चाहिए उतनी हमें इस साउंड बार पर मिलती है, सफिशियंट है मतलब। सो लाउडनेस में भी आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बेस क्वालिटी की, कि यार बेस क्वालिटी बढ़िया है या नहीं है। दोस्तों यार मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा मुझे बेस क्वालिटी इसकी डिसेंट लगी है। मतलब ऐसा तो नहीं कहूँगा कि यार अगर आप बेस लवर है तो डेफिनेटली आप इस मॉडल को परचेस करिए, ऐसी बात नहीं है। बट अगर आपको डिसेंट बेस चाहिए तब आप इस साउंड बार को परचेस कर सकते हैं, आपको बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप लोग बेस लवर हैं तब तो आप बोट अवांटे 2050 को परचेस करिए या जेब्रोनिक्स का 160 वॉट वाला साउंड बार को परचेस करिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है अगर आप बेस लवर हैं। अदरवाइज अगर आप डिसेंट बेस के शौकीन हैं तब आप इस मॉडल को परचेस कर सकते हैं। सो दोस्तों यही था मेरा लाइव एक्सपीरियंस जो कि मैंने टू बी ऑनेस्ट आपको बता दिया है। बाकी मैंने फीचर्स के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करी है, उसके लिए दोस्तों आपको अनबॉक्सिंग वीडियो देखनी पड़ेगी। अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, क्योंकि अनबॉक्सिंग वीडियो में दोस्तों हमने फीचर्स के बारे में भी बताया है, साथ में इसके डिजाइन को भी काफी डिटेल पे बताया है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों जल्दी हम इस मॉडल का हिंदी पे साउंड टेस्ट डालने वाले हैं इंस्टाग्राम पर, सो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।